हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट करके और पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि IHIP पोर्टल या IDSP पोर्टल पर एल फॉर्म की एंट्री कैसे करते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट पर ही हम यह वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको एल फॉर्म में किस प्रकार से डाटा फीड करते हैं उसकी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना देरी किए सीधे चलिए गूगल सर्च पे, और आपको सर्च करना है IHIP। जब आप यह सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट के कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है। इसके अलावा इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से जाके आप सीधे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का, तो वहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं, और जो भी आपको आईडी और पासवर्ड दिया गया है उससे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको एक पॉपअप मैसेज प्रदर्शित होगा, उसको आप एक्सेप्ट करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर मेनू बार में कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, अबाउट, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, व्यू मैप और डाउनलोड। तो इसमें आपको ऑप्शन तीसरा है फॉर्म, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप लेबोरेटरी से संबंधित एल फॉर्म मिल जाएगी। इससे पहले आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको दो फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। तो ये डेटा कहाँ से आए? ये डेटा जो हमने पी फॉर्म भरा था उसमें लेबोरेटरी से संबंधित जाँचें थी, तो वो आपको एल फॉर्म में मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट बढ़ना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो फॉर्म है उसको ओपन कर लेते हैं और उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। तो ऊपर हमें पेशेंट की डिटेल में कुछ भी एडिट नहीं करना है, केवल हमें लैब से संबंधित डिटेल है उसमें एडिट करना है। तो यहाँ पर आप टेस्ट का प्रकार देख रहे हैं, कौन सा टेस्ट है, सैंपल कब लिया गया और सैंपल का टाइप किया है, उसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, केवल आपको रिजल्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले टेस्ट कब किया था इसकी आपको डेट सबमिट करनी है, तो यहाँ आप डेट सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट क्या आया, टाइफाइड जो टेस्ट किया नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है या रिपीट सैंपल है, तो इसको आप भर सकते हैं और उसके बाद अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वो फिल हो गया। अब दूसरा फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है जो कि मलेरिया का है, तो इस पे एडिट करते हैं, और इसमें भी जो पिछला फॉर्म हमने भरा था उसमें भी सेम प्रकार से डेट ऑफ टेस्ट परफॉर्म उसको सबमिट करना है, किस डेट को किया गया है और टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा वो आपको भरना है। और इसके अलावा यदि आपके कोई रिमार्क है तो भी उसमें डाल सकते हैं, पेशेंट का सैंपल रिपीट है, इनवैलिड है, तो उसका कारण भी लिख सकते हैं और इसको अपडेट करना है। तो जब आप इसको अपडेट कर देंगे तब आप इसको सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद ये डाटा इस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, जिसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इन दोनों पेशेंट के अलावा हमारे पास एक और पेशेंट आया है जिसका पी फॉर्म सबमिट नहीं किया गया है, किंतु हमें एल फॉर्म सबमिट करना है। तो इसके लिए आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, ऐड पेशेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मोबाइल नंबर है, यदि मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद पेशेंट का नाम लिखना है और एज लिखनी है। तो एज हमने पहले पी फॉर्म में जैसे बताया था कि आप एज के दो फॉर्मेट है, एक तो मंथ, ईयर और डेट डाल सकते हैं, और या फिर पेशेंट की केवल एज डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 25 ईयर्स लिखी है, तो उसके बाद एज पे क्लिक करके आप 25 एज डाल सकते हैं। पेशेंट का जेंडर है वो फीमेल डाल देंगे, और आईडी टाइप, यदि पेशेंट द्वारा कोई आईडी उपलब्ध करवाई जाती है तब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर डाल सकते हैं, और यदि नहीं तो आप नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये सब आपके आईडी के अनुसार ऑलरेडी भरे हुए आएंगे। आपको केवल पेशेंट का जो एड्रेस है यानी कि गाँव कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है, और थोड़ी और डिटेल अगर एड्रेस के बारे में हो जैसे हाउस नंबर, मोहल्ला वगैरह, तो वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस, यदि वो सेम है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके पेशेंट की जो डायग्नोसिस हिस्ट्री है वो आप यहाँ से भर सकते हैं। ये डिटेल आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार की प्रॉब्लम है। डेट भर सकते हैं, पेशेंट IPD है या OPD है, उसकी भी आप डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। अब आप टेस्ट से संबंधित जो भी डिटेल है उसको भर लीजिएगा। तो टेस्ट है टाइफाइड के लिए, और टाइप ऑफ ब्लड है आप ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, आप कुछ भी भर सकते हैं, जो भी जिस प्रकार का आपका टेस्ट है उसके अनुसार। और टेस्ट का नाम आप भर सकते हैं, विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और सैंपल कब लिया गया है उसकी डिटेल भरनी है, और टेस्ट कब किया गया है उसकी आपको डिटेल भरनी है, और टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा वो आप ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि कोई और टेस्ट है तो आप इसमें नीचे प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्लिक करके आप जितने भी टेस्ट है उसको ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ हम एक और टेस्ट ऐड कर लेते हैं इस पेशेंट की। तो इस पेशेंट का जो दूसरा टेस्ट है वो है मलेरिया, सैंपल टाइप है ब्लड और सैंपल कलेक्शन डेट डाल देंगे और टेस्ट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद कैसा टेस्ट है तो यहाँ हम PVF या कार टेस्ट या कुछ अन्य टेस्ट जैसे CBC है तो हम एनी अदर टेस्ट सबमिट कर लेंगे और एनी अदर टेस्ट है तो उस आपको नाम देना पड़ेगा कौन सा टेस्ट है। तो यहाँ हम डाल देंगे CBC टेस्ट होता है, ठीक है। तो और उसके बाद आपको भरना है डेट ऑफ टेस्ट परफॉर्म, जिस तारीख को CBC की गई थी उसकी डेट और टेस्ट रिजल्ट क्या रहा। तो यदि उसमें आपको कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग मिलती है तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप नेगेटिव कर सकते हैं, और कुछ डिटेल है तो वो आप रिमार्क में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक पेशेंट का डाटा इस प्रकार से फिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये हमारी डिटेल आ गई, इस पे हम कुछ एडिट कर सकते और कुछ टेस्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर हमारी डिटेल सही है तो हम इसको सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर रहे हैं। तो सबमिट कर लेंगे, ऊपर एक मैसेज आएगा जिसको यस करेंगे तो आपके जो डाटा है वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। तो पी फॉर्म में एंट्री कैसे करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही एल फॉर्म कैसे भरते हैं उसको देखिएगा, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।